नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, जहां नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। 3.5 साल बाद मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने के बाद बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। मुकुल रॉय बीजेपी को एक और झटका देने की जुगत में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के 24-25 विधायक टीएमसी में जा सकते हैं। ये विधायक मुकुल रॉय के संपर्क में है और उनकी जल्द ही घर वापसी हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नेता वो हैं जिन्हें मुकुल रॉय ही बीजेपी में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस से लेकर आए थे। दरअसल सोमवार को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य बीजेपी में किसी बगावत के संकेत दे दिए हैं। मुकुल रॉय खुद ये कह चुके हैं कि वो कई बीजेपी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। वहीं रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने भी ये कहा है कि 25 बीजेपी विधायक और 2 सांसद जल्द ही टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु के बयानों से ये संकेत मिल रहे हैं कि रॉय फोन पर बातचीत के जरिए बीजेपी को दूसरा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुकुल के तृणमूल में जाने के बाद से ही बीजेपी की नजरें अपने नेताओं और विधायकों पर हैं। बीजेपी इस कोशिश में जुटी है कि वो अपने नेताओं को पार्टी से दूर ना होने दें। ऐसे में पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले नेताओं पर खास नजर रखी जा रही है। बता दें कि साल 2017 में तृणमूल से बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ वापस टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं। मुकुल रॉय के वापस तृणमूल कांग्रेस में आने पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें पार्टी में जल्द ही कोई बड़ा रोल दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।